देखिए स्टूडेंट, आरपी पब्लिक स्कूल जोगी ठेर के यूट्यूब चैनल में मैं आपको फिजिक्स बता रहा हूँ। और इस फिजिक्स में जो है हमने कई टॉपिक बताए हैं। आज हम आपको नया टॉपिक समझाएंगे, पतले उत्तल लेंस की फोकस दूरी के लिए न्यूटन का सूत्र। इस फिगर के माध्यम से हम न्यूटन का सूत्र बताएंगे। ये हो गया आपका उत्तल लेंस, और यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट रखी है ए बी, और इससे एक मुख्य अक्ष के समांतर एक लाइट रे चली और वो यहाँ फोकस से जाएगी, और यहाँ से एक फोकस से लाइट रे जाएगी जो कि पैरेलल हो जाएगी। ये दोनों रेज क्या करेंगी, यहाँ एक इसकी जो ये ऑब्जेक्ट है इसकी इमेज यहाँ फॉर्म कर देंगी। यानी ऑब्जेक्ट है और इसकी इमेज यहाँ बन गई। अब हम न्यूटन का सूत्र कैसे प्रूव करेंगे, ध्यान से देखिए। इसके लिए हम क्या करेंगे, दो ट्राइंगल लेंगे, एक बार इन दोनों ट्राइंगल को लेंगे और एक बार इन दोनों ट्राइंगल कंसीडर करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन दोनों ट्रायंगल की बात करते हैं। तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, क्यों है सिमिलर, कुछ रीजन देते हैं। पहले ट्रायंगल देखिए, ए बी एफ वन, ट्रायंगल ए बी एफ वन में तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी एफ वन, ये वाला ट्रायंगल ले लिया, ये वाला त्रिभुज, और फिर ये वाला ले लिया। इसका हम नाम रख देते हैं, नेमिंग कर देते हैं। तो यहाँ हमने नाम रख दिया, यहाँ नाम रख दिया एन, ये जो पॉइंट है वो एन हो गया, और ये पॉइंट को हमने नाम दे दिया सी, इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया सी, ये सी है। तो इन दोनों ट्रायंगल में अगर हम बात करें तो इसका नाम है ए बी एफ वन और इसका नाम है एन सी एफ वन, एवं त्रिभुज एन सी एफ वन, एन सी एफ वन। इन दोनों में क्या खासियत है, इन दोनों में खासियत है कि ये दोनों एंगल बराबर है। तो एंगल ए एफ वन बी, एंगल ए एफ वन बी बराबर एंगल एन एफ वन सी, एन एफ वन सी, दोनों बराबर हो गए। दूसरी चीज, यहाँ पर 90 बनना है, ये भी 90 बनना है, तो ए बी एफ एंगल ए बी एफ वन इक्वल टू एन सी एफ वन, एन सी एफ वन बराबर 90, ये दोनों 90 होंगे। तो इस रीजन से ये दोनों सिमिलर हो गए। अब यहाँ हम फिर से इन दोनों का नाम लिखेंगे, त्रिभुज ए बी एफ वन, और ये वाला ट्रायंगल, ट्रायंगल एन सी एफ वन, ये दोनों सिमिलर हुए, ये दोनों सिमिलर हुए, ट्रायंगल ए बी एफ वन और ट्रायंगल एन सी एफ वन सिमिलर हुए। तीसरा एंगल की बात हमने नहीं की, क्योंकि दो एंगल बराबर हैं तो तीसरा अपने आप बराबर होगा, क्योंकि तीनों एंगल का सम 180 होता है, तो तीसरा खुद भी खुद बराबर हो जाएगा। अब हमने सिमिलरिटी की प्रॉपर्टी लगा दी, तो हमने क्या लगाया, ए बी अपॉन एन सी, हमने लिखा ए बी अपॉन एन सी बराबर ए बी अपॉन एन सी। ऐसे ही बी एफ वन अपॉन सी एफ वन। अब चूंकि इनमें एक बात समझने की है कि ये जो ए बी है और ये एन सी है और ये ए डैश बी डैश है, तो ये पैरेलल लाइन है, ये लाइन सी बी वन डैश और एन ए वन डैश, ये दोनों पैरेलल है। तो ये यहां हम लिखेंगे, चूंकि सी बी वन पैरेलल, सी बी वन पैरेलल टू एन ए वन, एन ए वन, इस रीजन से जो एन सी है वो ए डैश बी डैश के बराबर होगा, इसीलिए जो एन सी है, ये एन सी या सी एन या एन सी, वो बराबर किसके होगा, ए डैश बी डैश के। और इस आधार पे हम यहां पर एन सी का नाम बदल सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन, अब इसका नाम क्या हो जाएगा, अब ए बी अपॉन हो जाएगा एन सी, एन सी ए डैश बी डैश, और बी एफ वन अपॉन सी एफ वन, और ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट पड़ गई। तो इन दोनों ट्रायंगल की हेल्प से हमने एक रिजल्ट निकाल लिया। इसी प्रकार से ये दोनों ट्रायंगल भी हमारे लिए सिमिलर प्रूव कर सकते हैं, हम सिमिलर प्रूव करके एक फॉर्म बना सकते हैं इस तरह की। तो कैसे बनाएंगे, देखो ये दोनों ट्रायंगल भी सिमिलर होंगे, कैसे होंगे, देखो हम इन दोनों ट्रायंगल की बात करते हैं। अब यहां पर हम एक नाम डाल देते हैं, यहां हमने नाम डाल दिया एम, यहां हमने एम नाम कंसीडर कर लिया एम। तो
ट्रायंगल कौन सा लेंगे, त्रिभुज सी एम एफ टू, सी एम एफ टू बा ट्रायंगल ए डैश एफ टू बी डैश, ए डैश एफ टू बी डैश, ए डैश एफ टू बी डैश में, ए डैश एफ टू बी डैश में, इन दोनों में हम बात करते हैं। क्या बात करते हैं कि सी एफ टू एम, एंगल सी एफ टू एम, सी एफ टू एम ए डैश एफ टू बी डैश, ए डैश एफ टू बी डैश बराबर होगा। इसी प्रकार से यहाँ 90, यहाँ पे 90, तो एम सी एफ टू, एम सी एफ टू बराबर, एम सी एफ टू बराबर ए डैश बी डैश एफ टू, ए डैश बी डैश एफ टू बराबर 90 डिग्री, तो ये भी सिमिलर हो गए। अब यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं सी एम एफ टू सिमिलर ट्राइंगल ए डैश एफ टू बी डैश, ए डैश एफ टू बी डैश। अब क्या प्रॉपर्टी इनमें फिर वही लग जाएगा, सी एम अपॉन ए डैश बी डैश, सी एम अपॉन ए डैश बी डैश बराबर, सी एम अपॉन ए डैश बी डैश, सी एम अपॉन ए डैश बी डैश। अब सी एफ टू अपॉन, तो लिखेंगे सी एफ टू अपॉन, सी एफ टू अपॉन बी डैश एफ टू, या एफ टू बी डैश, या बी डैश एफ टू, कुछ भी लिख दो, बी डैश एफ टू लिख दिया। अब सी एम के बारे में क्या कहा जा सकता है, ये ए एम और बी सी पैरेलल है, चूंकि ए एम और बी सी पैरेलल है तो लिखेंगे यहाँ चूंकि ए एम और बी सी ये पैरेलल है, तो ये क्या होगा, ए बी और सी एम बराबर होंगे, ए बी बराबर सी एम, ए बी बराबर, या ए बी बराबर एम सी बराबर होंगे। ये बराबर होने की वजह से इनका नाम बदला जा सकता है, तो यहां पर हम क्या रख सकते हैं, ए बी रख सकते हैं। अब ये चेंज हो जाएगा, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश बराबर सी एफ टू अपॉन बी डैश एफ टू, इक्वेशन नंबर टू। आप देखें, आप पहली और दोनों में, दोनों इक्वेशन में एक बात सेम है, ये इधर का ये पोर्शन एल एच एस इसकी और इसकी एल एच एस सेम है, तो इन दोनों से ये कंक्लूजन निकाला जा सकता है कि ये और ये भी बराबर होंगे। तो हम लिखेंगे समीकरण एक बा दो से, दोनों की हेल्प ले ले रहे हैं, तो हमने लिखा बी एफ वन बराबर सी एफ वन बराबर सी एफ टू बराबर बी डैश एफ टू। अब इनकी वैल्यू हम रख सकते हैं, तो बी एफ वन कितना है, बी एफ वन हमने माना है एक्स वन, बी एफ वन को हमने क्या मान लिया, इस डिस्टेंस को हमने मान लिया एक्स वन, तो यहां हम एक्स वन रख देंगे। और सी एफ टू को क्या माना है, सी एफ टू ये आ गया सी एफ वन, तो सी एफ वन की जगह हमने क्या माना है, सी एफ वन, सी एफ वन को हमने एफ वन माना है तो यहां हम एफ वन रख देंगे। सी एफ टू को हमने क्या माना है, सी एफ टू, सी एफ टू को हमने माना है एफ टू, तो हम यहां एफ टू रख देंगे। अब बी वन एफ टू, बी डैश एफ टू, बी डैश एफ टू को हमने एक्स टू माना है तो हम यहाँ एक्स टू रख देंगे, तो एफ वन एफ टू हो जाएगा, एफ वन एफ टू बराबर एक्स वन एक्स टू, क्रॉस गुणा हो जाएगी एक्स वन एक्स टू। ये न्यूटन का फार्मूला है, तो न्यूटन का फार्मूला ये आपको क्या करेगा, न्यूमेरिकल में हेल्प करेगा, बहुत सारे न्यूमेरिकल आप इस फार्मूले की मदद से कर सकते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है। थैंक यू वेरी मच।